Hello you all. In this video tutorial, I am going to show you the 5 hidden features of Windows 10. दोस्तों वैसे तो बहुत सारे hidden features of Windows 10 के हैं, but मैं आपको यहाँ पे सिर्फ 5 के बारे में बताऊँगा क्योंकि ये मुझे बहुत importance लगता है दोस्तों और मैं चाहता हूँ कि इसका आप लोग भी फायदा उठाएं। तो क्या-क्या है? चलें start करते हैं। तो पहला है हमारा system storage. System storage में क्या होता है दोस्तों? क्या करना है ये आपको सारे सिस्टम स्टोरेज की इन्फॉर्मेशन देता है जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ आपको सिंपली क्या करना है स्टार्ट पे जाना है सेटिंग पे क्लिक करना है इस सेटिंग पे उसके बाद आपको ऐसे विंडोज अपेयर हो जाएगी उसके बाद आपको सिंपली सिस्टम पे क्लिक करना है उसके बाद आपको जाना है स्टोरेज पे उसके बाद आप किसी भी ड्राइव के स्टोरेज चेक कर सकते हैं दोस्तों जैसे कि मैं जा रहा हूँ यहाँ पे सी पे सी के ये देखिए आपको यहाँ पे रिवील कर दिया कि 21 GB मेरे सिस्टम रिजर्व कर रखी है फिर जो ग्रीन है वो ऐप एंड गेम्स के लिए है एंड देन ब्राउन जो है दैट इज क्रीमी कलर ये आपकी डॉक्यूमेंट्स के लिए है यहाँ पे आपको और भी इसके अंदर भी जा सकते हैं दोस्तों कि जैसे कि 22.5 GB मेरे गेम्स एंड ऐप्स को मिली है इसमें कौन कौन सी गेम्स एंड ऐप्स हैं ये भी आप चेक कर सकते हैं जैसे कि मैंने क्लिक किया इसके बाद ये थोड़ा टाइम लेता है दोस्तों ये देखिए आप और भी फर्दर जा सकते हैं किस ऐप ने आपकी कितनी स्पेस खा रखी है किसने कितनी खा रखी है इसमें आपको सारे पता चल जाती है तो ये थी हमारी सिस्टम स्टोरेज आप चाहे तो और भी किसी भी ड्राइव की आप चेक कर सकते हैं मैं आपको सिंपली सी के करके दिखाया हूँ आप लोग अपनी मर्जी से किसी के भी कर सकते हैं तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट है हमारा गॉड मोड दोस्तों गॉड मोड क्या होता है मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि गॉड मोड होता क्या है मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हैं कि गॉड मोड बनाते कैसे हैं तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ हमारा नेक्स्ट है रिमोट असिस्टेंस क्या करता है दोस्तों कि आपने टीम व्यूअर तो यूज़ किया ही होगा तो ये क्या करता है सिंपली टीम व्यूअर जैसा है आपको क्या करना है स्टार्ट मेनू पे जाना है स्टार्ट मेनू पे जाके आपको सिंपली टाइप करना है रिमोट असिस्टेंट आपको यहाँ पे जो लिंक दिख रहा है इनवाइट सम टू कनेक्ट आपको इस पर क्लिक करना है उसके बाद आपको इनवाइट करना है या फिर आप किसी को हेल्प करने के लिए जा सकते हैं जो आपको इनवाइट किए होंगे इसमें आपको सिंपली क्या करना है जैसे कि मैं क्लिक कर रहा हूँ इनवाइट समवन आप इनवाइट समवन पे क्लिक करोगे तो आपको आएगा यहाँ पे सेव दिस इनविटेशन एज ए फाइल आप इसको इनविटेशन को फाइल पे क्रिएट करके रख सकते हैं और किसी को ईमेल भेज सकते हैं या फिर अभी मेरे यहाँ अपेयर नहीं हुई है क्योंकि इसमें आप इंटरनेट कनेक्शन चाहिए आप क्या कर सकते हैं ईमेल भी यूज़ कर सकते हैं किसी को इनवाइट करने के लिए जैसे आप टीम व्यूअर में भेजते हो सिंपली आपको क्या करना है सेव कर लेना है आप कुछ भी नाम से सेव करके यहाँ रख सकते हो और इस सेव फाइल को आप जिसके सिस्टम में आपको घुसना है उसके यहाँ पर आपको पेस्ट कर लेना है और उस हेल्प की मदद से आपको यहाँ पर जैसे कि वो इस ऑप्शन को क्लिक करेगा और यूज़ इनविटेशन फाइल करेगा और वो आपकी सेव की हुई इनविटेशन को क्लिक करके ओपन कर देगा सिंपल है दोस्तों इस तरीके से आप किसी के भी पीसी पे इजीली एंटर कर सकते हैं नेक्स्ट है हमारा स्टेप रिकॉर्डिंग स्टेप रिकॉर्डिंग होता क्या है दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने सुना ही होगा कि हमारा स्क्रीन रिकॉर्डर आता है वो हमें एक सॉफ्टवेयर होता है के थ्रू हमें स्क्रीन रिकॉर्ड होती है बट यहाँ पे विंडोज 10 में और विंडोज 8 में भी है ये फीचर्स तो इन्होंने क्या किया कि एक स्टेप रिकॉर्डर बनाया जो आपके सारे स्टेप को रिकॉर्ड करेगा जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ सिंपली आपको टाइप करना है स्टेप रिकॉर्डर ये देखिए दोस्तों पहला आ गया इसके बाद आने के बाद सिंपली आपको क्या करना है कि स्टार्ट पे क्लिक करना है उसके बाद आप जो यहाँ करेंगे जैसे कि मैंने रिफ्रेश कर लिया राइट क्लिक किया लेफ्ट क्लिक किया ये देखिए आप जो करेंगे उसकी आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको रिटर्न में एंड पिक्स के द्वारा दिखाई देगा जैसे कि अब मैं स्टॉप क्लिक कर दे रहा हूँ आप देख सकते हैं दोस्तों ये देखिए इसने मेरे सारे स्टेप को कॉपी किया सारे स्टेप को सेव किया कि मैंने क्या किया और प्लस यहाँ लिख के भी आपको दिखा दिया कि यूज़ लेफ्ट क्लिक ऑन रिफ्रेश मेन्यू सारे आपको स्टेप रिकॉर्ड करके यहाँ पे दे देते हैं तो इस तरह से आप किसी के भी हेल्प कर सकते हैं जैसे कि आपको किसी ने बोला कि मेरी विंडोज़ नहीं खुल मेरा हार्ड ड्राइव एक क्रैश हो चुका है या फिर कुछ हो चुका है मेरे सिस्टम में ये प्रॉब्लम आ चुकी है तो आप उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करके दोगे आप स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड कर सकते हो और उसे सिंपली फाइल सेंड कर सकते हो आप यहाँ से सेव भी कर सकते हो तो इस तरीके से आप उसकी हेल्प कर सकते हैं और दोस्तों हमारा नेक्स्ट है हमारा मेलिक्वियस सॉफ्टवेयर ये क्या करता है दोस्तों आपको जितने भी वायरस होते हैं दोस्तों कोई भी क्रॉप्टेड फाइल इस सारे को आपको ये डिलीट कर देता है रिमूवल टूल है ये जो विंडोज़ ने ये हमें प्रोवाइड करवाया है ताकि हमारी पीसी सेव हो सके सिंपली आपको क्या करना है स्टार्ट मेनू पे जाना है और यहाँ पे आपको सिंपली टाइप करना है MRT उसके बाद आपको पहला जो ऑप्शन खुलेगा दोस्तों उसको आपको क्लिक करना है ये थोड़ा समय लेता है तो आपको इंतजार करना पड़ेगा उसके बाद दोस्तों ये खुल जाने के बाद व्यू लिस्ट पे आप जाके क्लिक करके देख सकते हैं कि किस किस फाइल को ये डिलीट कर सकता है
और किसी फाइल को ये रिमूव कर सकता है टोटली आपके पीसी को क्लीन करने के लिए। सिंपली आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है एंड क्विक स्कैन, फुल स्कैन एंड कस्टमाइज स्कैन। आपके ऑप्शन, आपके पास तीन स्कैन करने का ऑप्शन आता है कि इसको लेके आप अपने पीसी को क्लीन कर सकते हैं। ये बहुत हेल्पफुल है दोस्तों और ये आपके पीसी को बचा के रखता है। तो इस ट्यूटोरियल में दोस्तों इतना ही। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर जरूर करें। आपको अगर ये वीडियो पसंद नहीं भी आया तो दोस्तों प्लीज़ डिसलाइक भी करें अगर आपको पसंद नहीं आया तो। थैंक यू फॉर मोर अपकमिंग वीडियो। स्टे ट्यून्ड विद XOAD। पीस।